गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 उसकी स्टोरी, जो स्टोरी कैसी है, वार्तालाप जैसी स्टोरी है। जब हम रामायण सुना है आप सबने, उसमें रावण और हनुमान की जो बातचीत हो रही है उसके ऊपर पूरा ये स्टोरी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसका नाम है लंका तारी सड़ भी गई। आप सबने सुना होगा लंका में जब हनुमान जी गए, उसकी पूछ को आग लगाया, हनुमान जी ने पूरी रावण की लंका को जला दिया, उसके बारे में ये पूरा है। मैं अब आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पेज नंबर 106 में आपको पिक्चर दिया है। देखो, रावण राजा रावण सिंहासन पे बैठे और उसके सामने हनुमान जी बंदी बने हुए हैं। इसके ऊपर से स्टोरी है कि जब राम भगवान ने हनुमान जी को सीता माँ की खोज करने भेजा और रावण के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसके बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके ऊपर पूरा स्टोरी दिया है। पेज नंबर 107 में आपको ये पूरा दिया हुआ है। देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, दरबान आके राजा रावण को पूछता है, महाराज नीचे हो, महाराज केटलाक सैनिकों एक वानर जेवा माणस ने लेने सभागृह में आवानी रजा मांगे छे। माने दरबान माने वॉचमैन आके परमिशन मांग रहा है राजा रावण से कि एक जो वानर जैसा दिखता है वो इंसान है, उसको आपके दरबार में लाने की परमिशन मांग रहे हैं हम। तो रावण जवाब दे रहा है, आवा दो माने आने दो। चार पांच सैनिकों हनुमान ने दौड़ा थी बांधी ने लावे छे। अब चार पांच सैनिक हनुमान जी को रस्सी से बांध के अंदर ला रहे। अरे आ कौन छे, नथी मानस के नथी बांधो, तेने अहीं शू काम लाव्या छो, शू काम छे। अब रावण को इसको देख के अलग लग रहा है, क्यों, क्योंकि हनुमान जी नहीं इंसान नहीं बंदर ऐसे दिखते हैं, तो वो उनको देख के आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसा है। तो हनुमान जी जवाब दे रहे, हूँ वानर छू। देखो, मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ, हूँ वानर छू। वा इतले थोड़ू अने नर इतले मनुष्य, वा माने थोड़ा सा और नर माने इंसान, तो मैं थोड़ा इंसान हूँ, ऐसा बंदर हूँ कि जो थोड़ा इंसान हूँ। तो इसके ये जवाब दे रहे हैं हनुमान जी। अब सैनिक बोल रहे, महाराज आ बहु तोफानी छे, ये आपने मरवानी जीत करतो हतो, ते पोते दरिया पार थी आव्यो छे। एम कहे छे कि बहुत ही बदमाश है, दरिया पार माने समुद्र को लांद के आया है। कैसे आया है, समुद्र को पूरा लांद के आया है और ये बहुत बदमाश है। तो क्या बदमाशी कर रहा है, रावण बोलवाना शु काम छे तारे। तो रावण पूछ रहे, क्या काम है तुझे। हनुमान जी जवाब दे रहे, मारे कशु काम नथी, आ तो तुम्हारा सैनिकों मने पकड़ीने लाव्या छे, मुझे आपका कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया था, ये सैनिक ने मुझे पकड़ लिया है। अब महाराज आ माणसे आखी अशोक वाटिका खेदान मैदान करी नाखी छे, बधा झाड़ परथी फळो पण खाई गयो। देखो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अशोक वाटिका खेदान मैदान। अब ये अशोक वाटिका क्या है, वाटिका माने गार्डन, तो ऐसा गार्डन जिसका नाम अशोक है, अशोक वाटिका वैसा गार्डन है, उसको खेदान मैदान माने तहस तहस, उसको तहस तहस कर दिया है। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका को पूरा तहस तहस कर दिया। अब नेक्स्ट आगे बात हो रही है, इतलूज नहीं, झाड़ पड़ना मूड़ पर उखेड़ी नाख्या छे। अब हनुमान जी ने इतना ही नहीं और क्या काम किया है, पूरे ट्री भी मूड समेत उखाड़ दिया है, इतना जोर लगा के। हनुमान जी जवाब दे रहे, ये बद्धा सुक्का था, ये सारे जो मैंने उखाड़े वो ट्री, हरे भरे ट्री को मैंने नहीं उखाड़ा है, जो सूखे ट्री थे उसको ही मैंने तोड़ा है। रावण, अरे मूर्ख बच्चे न बोल, हवे कहे ते शा माटे तूफान कर्यो, तू दरिया पार थी आव्यो छे, ए बात साची छे। अब रावण को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पूरा ऐसा समुद्र लांद के इतना दूर उड़ते हुए आ सकता है, तो वो उसको वो बात का आश्चर्य हो रहा है, इसलिए वो उनसे पूछ रहे कि
तू बीच में मत बोल और बता कि पूरा समुद्र लांघ के आया है। हनुमान जी कहे, हाँ क्या बोल रहे, हाँ पर आवड़ो मोटो दरियो ओड़ंगी ने केवी रीते कोई आवी सके, लंका तक आने के लिए बहुत बड़ा समुद्र है, तो वो समुद्र पार करके तू कैसे आ सकता है। हनुमान, जो मानस जो महाराज ये जाणू हो तो मने पण तमारा मंत्रीओ बैठा छे एवा आसन पर बेसाड़ो, जो ऐसी बात जाननी हो तो जहाँ आपके मंत्री बैठे हैं वैसे आसन पर बिठाओ, पछी कहो जब मुझे बिठाओगे मुझे मान दोगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो रावण को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, वो क्या बोल रहा है, वो रावण बोल रहा है कि जब हनुमान जी ने बोला कि मुझे आपके मंत्रियों के जैसा आसन दो तभी मैं आपसे बात करूंगा, तो ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी, तो वो गुस्सा होके क्या बोल रहा है, तू एक तुच्छ वानर छे, लंका नी राजसभा मां आसन पर बैठिस, माने वो बोल रहा है तू एक तुच्छ है जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और ये जो बैठे हैं वो सारे मेरे मंत्री हैं, उनका एक इम्पोर्टेंस है, उसकी एक वैल्यू है, तो तू उनके साथ बैठेगा, ऐसे उनको पूछ रहा है। हनुमान, ना हूँ प्रभु श्री राम नो सेवक छू अने राम दूत तरीके आपनी सामे उपस्थित छू। देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उपस्थित छू, रामदूत, सेवक, तो इसमें क्या है, सेवक माने जो राम भगवान का सेवक है, वो रामदूत इतने राम का दूत जो राम का मैसेज लेके आया है, उसको राम का मैसेज मैसेंजर, वो राम का संदेश लेके रावण के पास आया। उपस्थित माने उसके सामने खड़ा होना, उसके सामने आना, मैं ऐसा हूँ कि जो आपको राम भगवान का मैसेज देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, उपस्थित हूँ माने आपके सामने खड़ा हूँ। इसकी मात्रा अच्छे से देखेंगे, मेहमान छु, अत्यारे हूँ आपनो मेहमान छु, इसलिए आसन तो आप पूछ पड़े। राम नु नाम सांभळी ने रावण वधारे गुस्से थयो, अब राम का नाम सुन के रावण को तो और गुस्सा आया, उसको तो वो बात अच्छी नहीं लगी, वो सुन के उनको और गुस्सा आ रहा। एक मंत्री, क्षमा महाराज, पण आ अन्य राज्य माथी आव्यो छे, एटले आपणो मेहमान छे, जो दूसरे राज्य से आया है और वो अपना गेस्ट है, ये बात कौन कर रहा है, रावण की सभा में बैठे हुए मिनिस्टर, मंत्री माने मिनिस्टर, मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर बोल रहा है कि ये अपना मेहमान है, इमने जेल में न पुराय, हूँ तेमने विनंती करूँ छू, जेल में न पुराय, विनंती, आसन, इमने आसन आपू जो ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं, इन्हें जे केवं हो ते उभा उभा केवं पड़से, जो कुछ बताना है वो खड़े खड़े ही बोलना पड़ेगा, मैं उसको बैठने के लिए आसन नहीं दूंगा। आम कही हनुमाने पोताना पग हाथनी एक आंगड़ी खेची अने पूछड़ी लांबी थवा मांडी, जैसे ही उसने अपनी पूछ खींची कि उसके ही उंगली खींची कि उसकी पूछ लंबी होने लगी, पूछड़ी ने गोड़ गोड़ गुचड़ाई जेम गोठवा मांडी। रावण ने तो बोल दिया कि मैं तुझे बैठने के लिए आसन नहीं दूंगा, पर राम भगवान का दूत और वो स्वयं राम भगवान, तो वो तो अपना रास्ता निकाल लेंगे, तो उन्होंने अपनी पूछ को ऐसे गोल गोल घुमा के पूरा आसन जैसा बना लिया, गुचड़ाई जेम गोठवा मांडी, पूछड़ी खूब लंबी थी गई, એટલે રાવણ કરતાં પણ ઊંચું આસન થયું, હનુમાન તો કૂદકો મારી ને એના પર બેસી ગયા। અબ ફોટો મેં આપ દેખેંગે તો રાવણ કા આસન નીચે હે ઓર હનુમાનજી કા આસન ઉપર હે, દોનો કી હાઇટ મેં ડિફરન્સ હે, ઊંચું આસન થયું, હનુમાન તો કૂદકો મારી ને એની ઉપર બેસી ગયા। રાવણ ગુસ્સેથી લાલચોળ થઈ ગયો, રાવણ તો ગુસ્સા આયા, વો બાત ઉસકો અચ્છી નહીં લગી, આ વાંદરાને તાત્કાલિક પકડી દો, તેની પૂંછડી કાપી સળગાવી દો, ક્યા બોલ રહા હૈ, યે બંદર કો તુરંત પકડ લો ઓર ઉસકી પૂંછ કાટ પકડ જલા કે ઉસકો
छोड़ दो। ऐसे रावण आदर्श दे रहा है। देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये रावण बैठा है, उसका आसन नीचे है और हनुमान जी का आसन ऊपर है। पूंछ से ही बना हुआ आसन है, देखो राउंड राउंड करके पूंछ बनाया है और उसके ऊपर जंप करके हनुमान जी बैठे और फिर उसके साथ बात करें। तब तक हनुमान जी ने बात की नहीं। अब रावण के आदेश दे रहे सैनिक को, तात्कालिक मारी आज्ञा अनुपालन करो। अभिमानी वानर ने पूछड़ी सड़गावी दो। अब सैनिकों को आदेश दे रहा है कि तुरंत ये मेरे आज्ञा का पालन हो और उसको पकड़ के उसकी पूछ चला दो। सैनिकों थोड़ा गाभा गोदड़ा लाव्या अने हनुमान ने पूछे विटड़ाव्या अने तेना ऊपर शू रेड्यू तेल दीवा सड़ी थी पूछड़ी सड़गावी। ये देखो गॉड क्या क्या लाए, गोदड़ा गाभड़ा, फिर उसको उसको घूम विटड़ाव्या, विटड़ाव्या माने उसको लपेटा और फिर उसको जलाया, उसको तेल रेड़ा तेल डालू अने जलाया पूछड़ी सड़गावी। जेवी पूछड़ी सड़गावी के तरत ज हनुमाने पोतानु का पराक्रम शुरू कर्यू। पूछड़ीनो छेड़ो जुदी जुदी जगह अटकावा मांड्यो अने घड़ीकमां खूणे खूणा घड़ीकमां पेला खूणे पूछड़ी सड़गावी। हनुमाने पोतानु पराक्रम शुरू कर्यू। पूछड़ीनो छेड़ो जुदी जुदी जगह घड़ीक माने थोड़ी देर में पेला खूणे घड़ीक आ खूणे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे अलग अलग जगह पे उसको टच करवाया। अब जलती हुई पूछ किसी चीज़ को टच करेगी तो वो चीज़ भी जलने लग जाएगी, इसीलिए हनुमान जी ने ऐसा किया कि वो अपनी पूछ सब जगह टच करवाने लगे। आखी राजसभा में भागम भाग थे गई। हनुमान तो सड़कती पूछड़ी साथ त्याँ कूदी ने राजमहल बीजा मकानों पर गया, त्याँ बाजार में। अब हनुमान जी ने क्या किया, पूरी राज्यसभा में पूछ को अलग अलग जगह पे टच करवा के जला दिया। उसके बाद वहाँ से जंप करके बाहर निकल के राजमहल के अलावा जो आज सिटी के पूरे मकान थे मार्केट था उसमें घूमने लग गए। अब जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ वहाँ आग लगती, जहाँ जाते गया त्या त्या आग लागवा माँडी। लंका ना राक्षसों नाश भाग करवा लाग्या। सैनिकों एक जगह आग ओलवे तो हनुमान जी बीजी जगह पूछी अटकाड़े, एटले शू नाश भाग थवा माँडी। नाश भाग माने इधर उधर भागना, अटकाड़े माने टच करवाना, ठेक ठेकाने माने अलग अलग जगह पे, ठेक ठेकाने माने अलग अलग जगह पे वो टच करवाने लगे। तो क्या होने लगा कि वहाँ जिस जगह पे वो पूछ लगाते वहाँ आग लग जाती, जिस जगह पे पूछ लगाते वहाँ आग लग जाती। तो अब हनुमान जी हंसवा मंड्या, हनुमान जी ने तो हंसू आवा मंड्यू। तो पछी बधी जगह हनुमान जी आग लगावी दीधी। माने रावण को लगा था कि मैं पूछ जला के हनुमान जी को परेशान करूँगा, हनुमान जी को पनिशमेंट दूंगा, उसके बदले तो ये क्या हो गया कि पूरी उनकी लंका ही जला दी हनुमान जी ने। लंका जाम नाम का जो रावण का राज्य था उसका जो सिटी था वो पूरा उसको जला दिया, पूरा सिटी उसने जला दिया। अब सिटी जलाने के बाद हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, अब इसमें हनुमान जी को पनिशमेंट देने के चाह रहे थे लंका के राजा रावण, हनुमान जी को पनिशमेंट देना चाह रहे थे, पर हनुमान जी ने तो उनको ही परेशानी में डाल दिया। पूछ जलाया तो पूछ से पूरा लंका जला दिया और लंका जलने से रावण की तो पूरी लंका तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, खराब हो गई। जो इतने सुंदर लंका थी वो जल जल के काली पड़ गई। अब लंका तारी सड़गी गई, पुछड़ी मारी साजी रही। माने तेरी लंका तो पूरी जल गई पर मेरी पूछ सही सलामत रही। हनुमान जी क्या बोल रहे, पुछड़ी मारी साजी रही, तेल तारू गाभा तारा, दीवा सड़ी तारी गई। मेरी पूछ तो सही सलामत रही, तेरा क्या गया, तेल गया,
जो मेरी पूछ पे कपड़े लपेटे वो गया, और जलाने के लिए माचिस की जो तीली थी वो भी तेरी गई, मेरा कुछ गया नहीं, पुछड़ी मारी साजी रही, पुछड़ी मारी साजी रही, सड़क गया मकानों, सड़क गया महलों, उभी बाजार ने उभी बाजार सड़गी गई, पुछड़ी मारी साजी रही, तेरे सारे मकान जल गए, पूछ जल गई और मकान जल गए, मार्केट जल गई, पर मेरी पूछ सही सलामत है, सड़क गया मकानों, सड़क गया महलों, उभी बाजार पर पुछड़ी मारी साजी रही, सब कुछ तेरा जल गया, खराब तेरा, नुकसान तुझे ही हुआ, पर मेरी पूछ तो सही सलामत रही। जब रावण सीता माँ को पकड़ के अपनी लंका में ले गया था, तब हनुमान जी पूरा समुद्र लांघ के उसके खोजने के लिए निकले, वहाँ सीता माँ उनको मिले, सीता माँ को देख लिया, पर जब हनुमान जी को रावण को ये मैसेज देना था कि मैंने सीता माँ को ढूंढ लिया और मैं राम भगवान का दूत हूँ, तो ये बताने के लिए उसको रावण से मिलना जरूरी था, तो रावण से कैसे मिलेगा, इसलिए उसने अशोक वाटिका को तहस नहस किया, अशोक वाटिका को तहस नहस किया इसलिए सैनिक ने उसको पकड़ा, सैनिक ने पकड़ा तो राजा के पास लेके गया, तब वो रावण से मिल पाया। अब उसको अपना बल भी दिखाना था, क्यों, क्योंकि रावण को डराना भी था कि देख हम ऐसे वैसे नहीं है, तू सीता माँ को लेके तो आया है पर अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू सीता माँ को लौटा दे वरना देख ले अभी सिर्फ तू, मैं एक ही बंदर आया हूँ, मैं एक ही वानर आया हूँ तेरी लंका में, पर देख ले तेरी लंका को पूरी जला के चला गया। बहुत ही सुंदर रामायण का एक पार्ट था जो हमने सीखा और समझा, माने किसी को कम आंकना नहीं चाहिए, इतना अच्छे से किया है मैंने आपको एक्सप्लेन, आप सब अच्छे से समझे होंगे। अब इस चैप्टर में रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स मैं आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ, आपकी नोटबुक में अच्छी राइटिंग के साथ डेट डाल के लिखना है। ओके, थैंक यू।